मुरादाबाद के ईदगाह के मैदान में सीएए के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आज छठे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आज धरने में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर राजा खान ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए सरकार पर विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जा रही है। देश के मुसलमानों की रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है, इसलिए मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने सीएए को काले कानून की संज्ञा देते हुए देशवासियों से हर जिले में आंदोलन करने का आह्वान किया है। मौलाना तौकीर ने कहा कि यह धरना किसी धर्म का नहीं, हुकूमत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे कि किसे देश में रखना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम और अमित शाह का, दोनों का मिलकर नशा हो जाता है। हर नशा उतरता है और एक दिन यह नशा उतरेगा। उन्होंने कहा कि सीएए लाकर संविधान पर हमला किया है। जब तक सीएए को सरकार वापस नहीं ले लेती, धरना प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। तलाश कर, अब तो इस मुल्क के हाकिम से कुछ ना होगा, हजरत उमर जैसा रहबर तलाश कर। पूरी ईमानदारी से कोई दिखा नहीं था। इराक के लिए दुआ की थी कि नहीं की थी, बताओ ईमानदारी से। वहां के हुक्मरान के लिए दुआ की थी कि नहीं की थी? नतीजा क्या हुआ? तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी गई और तमाम दुआएं तुम्हारी पिछले वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं, दूर करता चला आ रहा हूं कि दुआएं रद्द की जा रही है। उसकी वजह यह नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन ताकतवर है, उसकी वजह यह है कि तुम मजबूत मुसलमान रह गए, कमजोर ईमान वाले मुसलमान बन गए हो। तुम्हारी जबानों तक हराम पहुंच चुका है, तुम अपनी जबानों को हराम से नहीं बचा सकते। मैं मुफ्ती साहब से खासतौर से कहता हूं कि मिसवाक हमसे क्या आरएसएस ने छीना है? मिसवाक किसने छीन लिया हमसे? हमारी आसानी पसंदी ने हमसे मिसवाक छीना है। और मिसवाक कितनी बड़ी सुन्नत, उसकी क्या बरकत है? अवाम को जिन उलमा को समझाया था कि मिसवाक की क्या अहमियत है, वही उलमा मैं देखता हूं कि सुबह को उठते ही टूथब्रश कोलगेट। बताओ ठीक है क्या गलत, सही है कि नहीं है? अब उस कोलगेट के बारे में तहकीक तो करो, किन जानवरों की हड्डी और किन जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है ये किसी को नहीं पता। बस लिया और कोलगेट सुबह से मलना शुरू किया। तो बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? ये तमाम जो कर रहे हो इसी पे बोलता रहो कि यार जो तुम्हारा असली मसला है वो बोलो। बताओ ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो? तुम तो लग रहा हो कि मोदी को गाली दो वही अच्छा है। मोदी को गाली देने से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है और इससे नफरतों में इजाफा होने का अंदेशा है। हमारी कोशिश ये है कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस बेईमानी के खिलाफ इत्तेजाज करें और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जंतर मंतर पे हम हिंदू और मुसलमान मिलकर धरना लगाने वाले हैं और परवाह नहीं कि हमारे पर गोली चलाई जाएगी या लाठी चलाई जाएगी या आंसू गैस छोड़ा जाएगा या पानी की बौछारें छोड़ी जाएंगी। हम अपने मुल्क की एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। या बार बार हथियारों की बात आती है, हथियार, मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं, हथियार हल नहीं है किसी भी मसले का। जदोजहद
मुखालफत की जाएगी, बेईमानी की मुखालफत की जाएगी। और ईमानदार लोगों का ही काम तो है कि बेईमानी की मुखालफत करें। ईमानदार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? लेकिन एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ, क्या कर यार गोयल, मुसलमानों से बहुत नफरत है तुम्हें। मुसलमान हिंदू राष्ट्र बनाना है, नेपाल बनाया था वो भी वापस हो गए, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, तुम कैसे बनाओगे? और सिर्फ मुसलमानों का मसला होता तो शायद बना भी देते, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू भी बेदार है जो मुसलमानों के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालना चाहते हो, तुम किसी भी कीमत पर निकाल नहीं सकते। या एक हुकूमत की तरफ मैं एक छोटा सा वाकया है, बचपन में मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था, चार दोस्त थे जो कहीं जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज हवाएं आंधी, उन चारों ने एक गुफा में पनाह ले ली, छुप गए। उन चार दोस्तों को बिजली काटती थी, लपकती थी, गिरने की कोशिश करती थी, बिल्कुल नहीं थी। तो उन चारों ने आपस में ये फैसला किया कि भाई हमने से किसी एक पर बिजली को गिरना है, हमारी वजह से बाकी ना मारे जाए, इसलिए तय हुआ कि एक एक करके बाहर जाएंगे। अब उनमें से एक बाहर गया, बिजली कड़की लपकी चमकी, वापस हो गई। दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे ही बिजली का अमल जारी रहा और बिजली गिरी नहीं। अब एक के चौथा रह गया, कमजोर सा था, नहीं सा, गरीब सा। लोगों ने कहा कि भाई अब तू हमारी मौत का सबब बनने वाला है। जबरदस्ती वो नहीं निकलना चाहता था, जबरदस्ती धक्के दे देके उसे गुफा से बाहर निकाल दिया। बिजली कड़की चमकी लपकी और उस गुफा पे गिरी और वो तीनों मर गए, और ये सही सलामत बच गया क्योंकि इस एक की वजह से वो तीनों बचे हुए थे। वो तीनों इस एक की वजह से बचे हुए थे। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, मुसलमान के दिलों दिमाग में हर वक्त हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से प्यार करता है, और हिंदुस्तान की भी रग रग में गली गली में मुसलमान बसता है। अगर रगों का खून सूख जाए या दूषित हो जाए तो कैसे जिंदा रख सकोगे? मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का तस्वीर करने वालों, ये समझ लो कि मुसलमान के बगैर अगर हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन। रगों का खून निकालना चाहते हो और फिर कहते हो माता के प्रेमी हो, तुम माता के प्रेमी नहीं हो, तुम रक्षक नहीं हो, तुम भक्षक हो, तुम देश प्रेमी नहीं हो, तुम देश द्रोही हो। जो देशवासियों से प्यार नहीं करता, मजहब की बुनियाद पर देशवासियों से जो नफरत करता है, वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता। सच्चा देश प्रेमी वो है, सच्चे देश प्रेमी हम है। हमें हिंदुओं से भी प्यार है, सिखों से भी प्यार है, ईसाइयों से भी प्यार है, तमाम देशवासियों से हम प्यार करते हैं। और तू अगर मजहब की बुनियाद पर किसी एक धर्म के लोगों से नफरत करता है तो तू सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता। अपना देश प्रेम तुझे साबित करना पड़ेगा। हमने साबित किया है कि तू देशद्रोही है। तू ही हमारे हिंदुस्तान में बम मारा करता था और आज वो बम हिंदुस्तान में कहीं नहीं फट रहा है। ये सबूत है इस बात का कि आज तू अगर हुकूमत में न बैठा होता तो आज भी तू हिंदुस्तान में बम मार रहा हो। ठीक है, मुकदमे की परवाह मत करना, हमने बहुत लिखवाए, लिख जाने दो। तुम्हें मुकदमों से बचाना, तुम्हें तकलीफों से बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इत्तेजाज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान को कोई तकलीफ है। हमने तो ये तय कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान में इज्जत से रह रहे हैं, जिस दिन नौबत आ गई तो
तुम कामयाब हो गए। जिस दिन नौबत डिटेंशन सेंटर तक जाने की बात आ गई तो इंशाल्लाह डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे, मरना गवारा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि गैर मुस्लिम हजरात, खासतौर से हमारे हिंदू हजरात भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और अगर उन्होंने हमारा साथ न दिया होता तो शायद इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। तो हमें गुफ्तगु अपनी सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं रखनी है, बल्कि हिंदुस्तानियत के लिए हमारी लड़ाई है। हम हिंदुस्तानियत के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। जब वो जहर कर रहे हमारे मुल्क को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते उनके खिलाफ हमारी जंग है। हमारी जंग पुलिस और प्रशासन से नहीं है, हमारी जंग बड़ी है, हुकूमत से हमारी जंग है, और इस जंग को इंशाल्लाह हम जीत कर रहेंगे। और इस जंग में हमारे अपने उन सेकुलर हिंदू भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस वक्त की जरूरत को समझा है, जिन्होंने महसूस किया है कि मोदी और शाह मिलकर हमारे मुल्क को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनसे निजात दिलाई जा सकती है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ही इनसे निजात दिला सकता है। अगर सिर्फ मुसलमान, मैंने बार बार ये बात कही है कि अगर सिर्फ मुसलमानों की बात की होती, मुसलमानों की तकलीफ का मसला होता, तो हमने बाबरी मस्जिद जैसी इतनी बड़ी बेईमानी को सबर किया है। इससे बड़ी बेईमानी नहीं कर सकते तुम। उस बेईमानी को हमने अपने मुल्क में हमारा कायम रखने के लिए बर्दाश्त किया, रिएक्शन नहीं दिया, सब्र किया। हमने कश्मीर में जो तुमने जुल्म खाया, हमने अपने मुल्क के अमन सलामती के लिए, अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने सब्र किया। हमने तीन तलाक पर जो तुमने बेईमानी की, हम पर यह इल्जाम था कि हम अपनी बहन बेटियों को कैद में रखते हैं। आज वो बहन बेटियां जब सड़क पर आई है तो बिलबिला रहे हैं। हमारी बेटियों ने ये साबित किया है कि वो बेहया नहीं है, बेपर्दा नहीं है, अपने घर में अपने घर की देखभाल करती रही है, और उन्होंने छूट दी है। और आज जब मुल्क पर वक्त आया है तो उन्होंने ये साबित किया है कि वो मुल्क की सच्ची बेटियां हैं। और इस लड़ाई में अब बिलबिला नहीं, ये मुल्क दुश्मन है जो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए हमारी लापरवाहियों की वजह से। यहां मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, खासतौर से अपने उन हिंदू भाइयों से जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, दो नाम है जो हमारे मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा सेहरा जिनके सर बनने वाला है। एक है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं भाई, और हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री है, उससे हमारी लड़ाई है, कानून गलत बनाया है, खिलाफ का कानून बनाने की कोशिश की है, उससे हमारी लड़ाई है। लेकिन हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री है, उसका मान सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख समझे कि किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। तुम्हारे भाग का हिंदुस्तान नहीं है, तमाम हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान। तो नरेंद्र भाई का दा ले लो और अमित शाह का शाह ले लो, ये दोनों मिलके कहते हैं ना कि नशा बढ़ता है शराबे जब शराबों में मिले। ये ऐसा नशा बन गया है नरेंद्र और शाह का, जिनको मिलाओ तो हो जाता है नशा। जो कुछ हिंदू फिरका प्रस्तावकों के सर पे ये नशा चढ़कर बोल रहा है, मुझे अंदेशा ये नशा उतरेगा, हर नशा उतरता है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये नशा उतरने में अगर देर हो गई तो ये दोनों मिलकर हमारे देश का नाश कर चुके होंगे। इसलिए जरूरी
ये है कि अपने हम वतन हिंदू भाइयों को इस नशे से निजात दिलाने की कोशिश करो। हर नशा खराब है और नरेल और शाह का जो नशा है ये इन लोगों के सरों से जल्द अगर न उतरा तो ये दोनों मिलके हमारे देश का नाश कर सकते। मैं इस वक्त आप तमाम लोगों से सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेज पर, अपने धरने में, अपने प्रदर्शनों में अपने हम वतन हिंदू भाइयों को शरीक रखें। और जोश और जज्बात अपनी जगह है। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की एकता के लिए, अपने मुल्क के अमन अमान के लिए इन जालिमों को अगर हमने जरा सी भी ढील दे दी तो मैं बताता हूँ कि ये जालिम हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनवाने का काम करेंगे। हम अपने मुल्क को किसी कीमत पर नहीं कब्जे लेना चाहते। हम अपने मुल्क में एक और बनवाया किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने मुल्क में एकता, भाईचारा, अमन और शांति बना के रखना चाहते हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों को दावत देता हूँ कि आओ। ये तमाम मुसलमान जो बैठे हैं ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि ये मुसलमान है, बल्कि इसलिए बैठे हैं कि ये सच्चे हिंदुस्तानी है, अपने देश से प्यार करने वाले हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि जैसे कल नोटबंदी में सभी लोग लाइन में लगे थे, हमारा नुकसान नहीं हुआ था। नोटबंदी का हम विरोध कर सकते थे लेकिन हमने लगा कि शायद इससे कुछ भला हो सकता है देश का। हमने खामोशी इख्तियार की और तुमने देखा पूरा मुल्क, क्या बात है भाई, बैठे भैया कायदे से बैठे रहो। अगर नहीं मिली तो जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर। तो इस तरह से आए हैं, हमारी माए बहने बेटियां इस तरह से निकली है कि कहीं हुकूमत से, कहीं अदलिया से, कहीं पुलिस और प्रशासन से ना उम्मीद होकर हमारे नौजवान आतंकवाद का रास्ता ना इख्तियार कर ले, उन्हें आतंकवाद से रोकने के लिए हम आए हैं। अगर तुमने यह सारा कानून वापस नहीं लिया तो हमें अंदेशा है कि ना उम्मीद होता कहीं हमारे नौजवान, हम तो रोक रहे हैं, हमसे कहा था हमारे नौजवान, हमसे कहते तुम बुजदिल हो गए। हमने कहा बुजदिल हो गए लेकिन हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहा है लेकिन हम अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। अगर हम यहाँ काम हो जाए उसके बाद तुम जो चाहो फैसला कर लेंगे। हम तो अपने बच्चों को रोकने आए हैं, हमारी माए बहने जो बैठी है ये अपने बच्चों को रोकने आई है कि तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है, तुम्हारे हथियार उठाने के दिन नहीं है, तुम्हारे जद्दोजहद करने के दिन। तुम पढ़ो लिखो, अपने देश का मुस्तकबिल बनो। आतंकवाद हमारे देश के लिए जहर है, खतरनाक है। और जो तुम्हारे हमारे कुछ नासमझ भाई बोल रहे हैं वो भी हमारे मुल्क के लिए जहर है। हमें एकता और भाईचारे की जुबान बोलनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत की जुबान बोलनी चाहिए। नफरत है हमें ऐसी हुकूमत से लेकिन हमें तमाम हिंदुस्तानियों से प्यार है। ये हमें सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने अमल से भी हमें ये साबित करने की जरूरत है कि हम तमाम देशवासियों से प्यार करते हैं। तुम्हारे धरने में यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, हिंदू और सिख ईसाई वगैरह तमाम लोग आ रहे हैं। सबको बुलाइए और उन्हें समझाइए कि मनुस्मृति ये लाने वाले हैं, अभी इनका फोकस मुसलमानों की तरफ है। जिस दिन मुसलमान थक गया या मुसलमान हार गया उस दिन दलितों तुम फिर दलित बना लिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर फिर वही जुल्म सितम होना है, तुम्हें फिर मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम्हें फिर कोई अपने पास बैठाना गवारा नहीं करेगा, कोई हाथ मिलाना गवारा नहीं करेगा। उन लोगों को इस बात का एहसास है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उन बाओं को,
पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया है शाहीन बाग वालों ने। क्या बात है, अगर उन्होंने खड़े होकर आवाज ना उठाई होती, हमें तो शर्म आती थी जब हम ये देखते थे कि वो एक डिग्री कैसी ठंड, बताते हैं कि 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था ठंड है, ऐसी ठंड में अपने बच्चों को लेकर इन जालिमों को रहम ना आया, उनकी तरफ हमदर्दी से, इंसानियत पड़ चुकी है इनकी इंसानियत पड़ चुकी है। कहता है कि सबका साथ सबका विकास, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल लेते हो, कैसे इतनी बड़ी बेईमानी कर लेते हो, और आम हिंदू इनकी जबान नहीं पकड़ता कि तू इतना झूठ कैसे बोल रहा है, इतनी बड़ी बेईमानी। और अभी हमारी एक बेटी का तो 4 महीने का बच्चा, मौत में बच्चा लेकर धरने पर बैठती थी रोजाना, 4 महीने का बच्चा, उसका क्या बाहक हो गया, अल्लाह ने, अल्लाह की दी हुई अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली, और उसने सबर किया, बच्चे की मौत के बाद भी वो अब भी धरने पर बैठी हुई है। ऐसी बेटियों ने पूरे हिंदुस्तान को जगाया है, और इन बेटियों को किसने जगाया है, सच्ची बात तो यह है कि इन बेटियों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगाया है, अगर इन्होंने ये बेईमानी ना की होती, हम पे इल्जाम ना रखा, हमारी तो बेटियों ने साबित किया कि ये कभी हमारी कैदी नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने घर में रहती थी, क्योंकि ये बापर्दा और बाहया खवातीन है, बेहयाई और बेपर्दगी इनको पसंद नहीं है, इसलिए कभी सड़कों पर आना गवारा नहीं किया। लेकिन अब जब बात मुल्क पर आ गई है, जब बात शरीयत पर आ गई है, जब बात अपने मुल्क को बचा भी किया गई है, तो हमारी वो बहन बेटियां घरों से निकल कर आई है, उनके तहे दिल से मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और जैसे अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र, इस पर अभी मैंने 26 जनवरी को मुशायरा किया था, उसमें मैंने एक नज्म लिखी थी, शायर नहीं हूं लेकिन थोड़ी सी सुगंधी करने की कोशिश की थी उसने, और उसमें से दो अशआर जो है वो हालात हाजरा के मुताबिक है, वो आपको नजर करना चाहता हूँ, ठीक लगे तो दुआ दीजिएगा। कहा है कि तुम भी कितनी दूर तलक चल पाओगे, तुम भी कितनी दूर तलक चल पाओगे रास्ते से अगर हमें हटाकर देखोगे, अगर हमें रास्ते से हटा दोगे तो तुम्हारी बात की भी ताकत नहीं है कि थोड़ी दूर चल पाओ, हम हैं तो तुम हो, हम नहीं होंगे तो गारंटी नहीं है कि तुम रहोगे, तुम भी कितनी दूर तलक चल पाओगे रास्ते से अगर हमें हटाकर देखोगे, हासिल में बस वीरो ही रह जाएगा, टोटल में जब मुझे खटा कर देखोगे, मैं टोटल में शामिल हो तो तुम दुनिया की बड़ी ताकत हो, और अगर टोटल में मुझे निकाल दोगे तो बचेगा कुछ नहीं, जीरो रह जाएगा। आखिर में मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि अमन अमान के साथ अपना मुजाहिरा कायम रखें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे बहकाने, कुछ मुनासिब भी है जो धरने में शामिल है लेकिन पीछे से पुलिस के साथ है, और मैं तुम्हें बता दूं, पुलिस से हमारा झगड़ा नहीं, प्रशासन से हमारा झगड़ा नहीं है, मैं तो अलग ऐलान कहता हूं कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, वर्दी का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, वर्दी से अगर खौफ खत्म हो गया तो हिंदुस्तान में जनरल राज हो जाएगा, अपनी अपनी लाठी और अपनी अपनी भैंस वाला मामला हो जाएगा, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई उससे भी बड़ी है, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हो सकता है कि हुकूमत के दबाव में पुलिस कुछ गलत फैसले कर ले, लेकिन हमें पुलिस से नहीं लड़ना है, हमें अपनी लड़ाई को हर हाल में पुलिस लाठियां चलाए गोली चलाए हमारे सीने हाजिर है, और इंकलाब इंकलाब बार बार करते हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ इंकलाब ऐसे नहीं आता, इंकलाब तब आता है जब सड़कों पर खून बहता है,
खून बहाना पड़ेगा, और खून बहाने के लिए ये नहीं है कि किसी के ऊपर हमला और हो जाओ, बल्कि हम अपना खून देंगे इस मुल्क को बेपालों से आजाद कराने के लिए। अगर बात करें लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह जगह रहेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपने बच्चों को दहशतगर्द बनने से हमें बचाना है, तो अपने बच्चों को हमें यकीन दिलाना है कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हारे ऊपर आज इंशाल्लाह नहीं आने देंगे, हमारी जान चली जाए उसके बाद तुम फैसला कर लेना जो चाहो कर लेना, लेकिन जब तक हम हैं हम पे भरोसा करो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज भी झूठ बोला गया है, धोखा देने की कोशिश की गई है कि एनआरसी फिलहाल नहीं लाएंगे। अरे फिलहाल नहीं लाएगा तो कल तो लाएगा, परसों तो लाएगा, छह महीने बाद लाएगा, साल बाद बाद लाएगा। बात क्लियर कट करो, लाओगे क्या नहीं लाओगे, डरते क्यों? अभी नहीं लाएंगे, फिलहाल नहीं लाएंगे, धरना उठा ले। इसलिए हम भोले नहीं है, तुम्हारी बेईमानियों को पहचान गए। क्लियर बात करो, लाओगे क्या नहीं लाओगे, और पहले सीए में वापस लाओ, इस पर एक बार फिर से गौर करो। मुसलमानों के साथ जो कानून में बेईमानी की गई है उसको दुरुस्त करो। तुम्हें जरूरत ही नहीं थी ये कहने की कि सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को, जैनों को, बौद्धों को, हिंदुओं को, इन सब का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें कानून बना था, कानून बना लेते, हमारे साथ हिंदुस्तान में हमेशा तासुर होता रहा है, फिर हो जाता। कानून में हम होते हमें नागरिकता ना देते कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तुमने जो बेईमानी की है ये बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको दूर जब तक नहीं करोगे, धरना सिर्फ मुरादाबाद में नहीं है, ये धरना पूरे हिंदुस्तान का धरना है, और पूरे हिंदुस्तान में मुरादाबाद की हवा दूसरे अजला में पहुंच रही है। इंशाल्लाह वहां भी खवातीन भी बैठे को तैयार है हम, और मर्द हजरात भी बैठे को तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह धरना लगाना है, हर जिले में धरना लगाना है, इनका सीना आराम कर देना है। इतिहाद कायम करो, इतिहाद कायम नहीं कर सका मैं। 20 साल की मुसलसल जद्दोजहद, तिरानवियों से ऊपर मैंने कहा तिरानवियों से ऊपर उठकर मुतहिद हो जाओ, पार्टियों से ऊपर उठकर मुतहिद हो जाओ, मुतहिद होने को तैयार नहीं थे। मैं तो नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बारी ना की होती तो ये इतिहास तो न जितनी बेईमानी करोगे हमें उतना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हम अल्लाह वाले लोग हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। मैंने कहा बरेलवी देवबंदी, सुन्नी वहाबी शिया, अपने अपने मसलक पे कायम रहो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, लेकिन मिल्ली मामलात पे, मुल्की मामलात पे तमाम लोगों का एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमान समझे जाते हैं, जिन्हें हिंदूवादी जमाते मुसलमान समझती है, जिन्हें फिरका परस्त मुसलमान समझती है, जिन्हें हुकूमत मुसलमान समझती है, मुसलमान समझे या ना समझे, लेकिन वो लोग हमें मुसलमान समझते हैं, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। इन हालात को मैं समझ रहा था, अल्लाह ने इतनी नजर दी है, इतनी समझ दी है कि आने वाले वक्त को हम भाप लेते हैं। हम लोग न समझे थे, लोगों ने हमारे मकसद को नहीं समझा, हमें उलझाया गया, फसले लगाए गए, लेकिन आज वही लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई तौकीर जो 20 बरस बाद पहले
जो बात कह रहा था, अगर उस वक्त उसकी वो बात मान ली जाती तो शायद आज ये हालात ना बने। क्या बात है। अपने तुम्हारे हमदर्द, तुम्हारे हिमायती जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बात को अगर नहीं समझोगे तो नुकसान उठाओगे। और ये नुकसान मैं तो अलग ऐलान कहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं आतंकवाद मिलेगा नहीं आपको। कहीं आतंकवाद है? आप याद करो, 10-12 साल पहले पीछे जाओ, आज रोजाना बम फटते थे, रोजाना मुसलमानों के बच्चों का इंकाउंटर किया जाता था, रोजाना गिरफ्तारियां की जाती थी, आतंकवादी आतंकवादी कहके हमारे बच्चों को पकड़ा जाता था। याद है? भूल गए? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, मुसलमान तो समझता है इन भाइयों को, इन बातों को, अपने हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, जरा गौर करो, वो आतंकवादी बम कहाँ चला गया जो रोज फटता था और इल्जाम लगता था कि मुसलमान ने मारा? वो बम कहाँ गया? वो बम लखनऊ की गद्दी पे बैठा है, वो बम दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, इसीलिए वो बम कहीं नहीं फट रहा है। अगर हिंदू भाई हमारे दिल पे हाथ रखकर संजीदगी से अगर गौर करने बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान सच्चा देशभक्त है, सच्चा देश प्रेमी है। असली कोई आतंकवादी जो है तो वो है जो आज हमारे मुल्क की सत्ता पर काबिज हो गया है। ठीक लग रहा है जो बोल रहे हैं? अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बात सच्ची है। अब जरा सा हमें थोड़ा अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए? मैं बार बार ये बात कही है, आज फिर कहता हूँ, मुरादाबाद में भी शायद मैं बोल चुका हूँ, और ये बात मैंने यहाँ भी कही है, दूसरे स्टेजों पे भी कही है, आज फिर कहता हूँ आपसे, याद करो, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे पुराने जमाने में, याद है ना? उस जमाने के सबसे बड़े फिरका परस्त अटल बिहारी वाजपेयी, यही थी ना सबसे बड़े फिरका परस्त। लोग कहते थे भाई ये मुल्क का नुकसान कर देंगे, फिरका परस्ती फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देंगे। लेकिन फिर अटल वो रामकृष्ण आडवाणी आ गए, लोगों ने कहा भाई ये तो खतरनाक आदमी है, इससे तो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे थे, बताओ ठीक है गलत है? नरेंद्र मोदी के बाद अब आ गए अडवाणी जी के बाद अब आ गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देखकर लोग खौफजदा हो गए कि ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, हमारे देश को बर्बाद करने का, इससे अच्छा तो अडवाणी था, बताओ हुआ ये कि नहीं हुआ? मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण अडवाणी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आदित्यनाथ योगी हो, ये सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है। सच्चाई में बताता हूँ, हमें तो बुजुर्गों ने बताया कि मुसलमान जब जब बदहाल हो जाएगा तब तक उस पर जालिम हुक्मरान मुसन्नत किया जाता रहेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी से निजात चाहिए, लड़के तुम नहीं जीत सकोगे, नरेंद्र मोदी से लड़कर तुम नहीं जीत सकोगे, अगर इनको हराना है तो तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और अपने आप से लड़ने का क्या तरीका है? अपने चाकू नहीं मारना है, गोली नहीं मारनी है, अपने आप से लड़ने का मतलब यह है कि मुसलमान हो तो मुसलमान ही ईमानदारी से बन जाओ, सूद खाना छोड़ दो, सूद आम होता जा रहा है, बताओ सही है कि गलत? शराब आम होती जा रही है, सही कि गलत? शराब पियोगे और सच्चा होगे कि मुसलमान जैसी इज्जत मिल जाए तो नहीं मिल सकती, जुआ खेलोगे और चाहोगे उस
मुसलमान जैसी इज्जत बाजा तो नहीं पा सकते। अगर वाकई इन नरेंद्र मोदियों से निजात हासिल करनी है तो तुम्हें अपने आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आदित्यनाथ ये अल्लाह के भेजे हुए वो अजाब है कि जब तक मुसलमान बदअमल है, जब तक मुसलमान शराब पीता है, जब तक मुसलमान जुआ खेलता है, जब तक मुसलमान सूदखोरी करता है, जब तक मुसलमान जिनाकारी करता है, जब तक मुसलमान पचकारियां करता है, तब तक इसे दबाते रहो, सताते रहो, कुचलते रहो। अगर इन तमाम तकलीफों से आपको निजात हासिल करनी है तो धरने से वो निजात हासिल नहीं कर सकोगे, प्रदर्शन से वो निजात हासिल नहीं कर सकोगे। अपने आमाल को दुरुस्त, सच्चा और पक्का मुसलमान जिस दिन बन जाओगे, इंशाअल्लाह इन तमाम मोदियों से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। तो हम नरेंद्र मोदी से दुश्मनी नहीं करने आए हैं। हमें तो यह बताया गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, मजलूम की भी मदद करो और जालिम की भी मदद करो। जालिम की मदद कैसे करना है? उसे जुल्म से रोक कर। हम तो नरेंद्र मोदी की मदद करने आए हैं कि तुझे ये जुल्म कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इस जुल्म से तुझे हाथ रोकना है। हम नरेंद्र मोदी की मदद के लिए आए, नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। और नरेंद्र मोदी से निजात का मैंने तुम्हें रास्ता बताया है। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम, मैं तो देखता हूं हजरत मुफ्ती साहब, एक खास बात मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक बात मैंने देखी, बचपन से देखता आता हूं, पांचों वक्त की नमाज फर्ज है कि नहीं है? लेकिन सच्चाई यह है कि मैं देखता हूं कि जुमे की नमाज में तमाम मुसलमान निकल के आते हैं, जुमे की नमाज में निकल आते हैं। मैं तुमसे पूरे दावे के साथ करता हूं और वादा करके जाता हूं कि जुमे जैसा इत्तेहाद जिस दिन फजर की नमाज में तुम कायम करने में कामयाब हो जाओगे, तमाम नरेंद्र मोदी तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी को अगर लड़के हराना चाहते हो तो तुम हरा नहीं सकते। अगर अपने आमाल दुरुस्त करोगे, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करोगे, मैं तो साफ साफ कहता हूं, तुम अपने हालात पे गौर करो। पिछले एक जमाने से मैं ये देखता हूं कि मुसलमानों की तमाम दुआएं रद्द की जा रही हैं। अपने गौर करो, मुझे तो सबसे, मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, जब JBD Banquets lie here, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।